हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। और मैं हूं आप सबकी फ्रेंड अंजलि। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सीरीज एक्सपर्ट का लॉरियल का ये वाला शैम्पू। और ये बहुत बड़ी बॉटल है, एक्चुअली ये 1.5 लीटर की बॉटल है फ्रेंड्स। तो मैं इसको रेगुलर यूज करने वाली हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना बड़ा वाला पैकेट मंगाया जाए, बड़ा वाला जो बॉटल है वो मंगाया जाए। क्योंकि छोटे बॉटल जो है ना, वो एक तो महंगे पड़ते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। तो वो जो छोटा वाला पैकेट है 250 ml का, वो 700 rupees समथिंग का है उसका प्राइस। और ये 1.5 लीटर का इसका जो एमआरपी है वो 1565 rupees का है, 1565 rupees का। और ये मैंने सलून से खरीदा था, तो ये मुझे 1400 समथिंग का मिल गया है। और काफी इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ जाता है अगर हम बड़ा वाला प्रोडक्ट हम यूज करते हैं साइज में, ग्रामेज के हिसाब से। तो और इसके साथ मैंने ये मंगाया है ये वाला मास्क, ये भी इसी सीरीज से है, सीरीज एक्सपर्ट का प्रो केराटिन मास्क है। और ये सीरीज एक्सपर्ट का प्रो केराटिन शैम्पू है। और साथ में मैंने इसका मंगाया हुआ है सीरम। और फिर साथ में जो मैं सीरम इसका यूज करती हूँ, वो ये वाला सीरम यूज करती हूँ, ये भी सीरीज एक्सपर्ट का ही सीरम है। तो आज मैं बात करूंगी आपसे इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में है, और उनका रिव्यू भी शेयर करूंगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आपने अपने बालों में कोई सा भी ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, स्ट्रेटनिंग करवाई हुई है, केराटिन ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, स्मूदनिंग करवाई हुई है, तो आप ये वाला शैम्पू बिना झिझक, बिना सोचे आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो ये वाले शैम्पूज है ना, जो सलोन्स में यूज होते हैं, ये प्रोफेशनल यूजेस के लिए बनाए गए हैं स्पेशली। तो आपके हेयर्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आपके बाल डैमेज हो, फ्रिजी हो, टूट रहे हो बाल आपके, या फिर बालों में कोई जान ही नहीं है, कोई शाइन नहीं है, और अगर आपने बालों में कोई ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, तो आपको, और ट्रीटमेंट आपने चाहे किसी भी ब्रांड के शैम्पू से करवाया हुआ है, चाहे आपने स्कॉच कफ का ट्रीटमेंट लिया हुआ है, वेला से लिया हुआ है, या लॉरियल से लिया हुआ है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये वाला जो शैम्पू है ये आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इसके ये वाला मास्क और वो वाला सीरम आप यूज़ करें। और ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, आपके बालों को एक जान, एक तरह से मैं बोलूँ तो जान देगा आपके बालों को, आपके बालों में शाइन लेके आएगा। आपको दिख रहा होगा मेरे बाल अभी मैंने वॉश करे हुए हैं इसी शैम्पू से, और उसके बाद मैंने मास्क भी लगाया था, उसके बाद सीरम भी अप्लाई किया था, तो मेरे बालों में देखिए शाइन सी आपको दिख रही होगी। मैंने फिलहाल कोई भी प्रेसिंग वगैरह नहीं करी है, तो बालों में एक स्ट्रेटनिंग सा लुक भी आया हुआ है, एक शाइन दिख रही है, और काफी लाइट फील हो रहा है मुझे, और बाउंस भी आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम बालों का। बहुत अच्छा शैम्पू है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप शैम्पू की ही बात करती हूँ, तो आप चाहें तो छोटा वाला इसका पैक ले लेना अगर आपको लेना है। तो मैं सारे ग्रामेज के हिसाब से, पैकिंग के हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दूंगी, अगर आपको लेना है तो वहां से जाके आप ले लेना। और कोशिश करना फ्रेंड्स कि इसको आप ऑनलाइन न मंगाएं, क्योंकि समटाइम्स होता है कि ऑनलाइन से आपको डुप्लीकेट मटेरियल भी मिल जाता है, तो और हमें पता नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, लेकिन हम सैड हो जाते हैं कि यार हमने इतना महंगा प्रोडक्ट मंगवाया है और हमारे किसी यूज का रहा नहीं। तो बेटर यही रहेगा या तो आप किसी प्रोफेशनल सैलून से खरीदें, या फिर किसी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप से ये वाले जो प्रोफेशनल जो महंगे प्रोडक्ट हैं वो आप वहीं से खरीदा करें, ऑनलाइन नहीं मंगाएं तो अच्छा है। फिर भी मैं आपको ऑनलाइन लिंक दे दूंगी, क्योंकि मैंने तो अपने सैलून से मंगवाया था, तो आप देख लेना कि आपने सैलून से लेना है तो अपने किसी सैलून से ले लेना जो आपके घर के पास हो, या फिर आप ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं फिर भी तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शैम्पू की बात कर लूं, सीरीज एक्सपर्ट्स का प्रो केराटिन शैम्पू है ये, और इंटेंस स्मूदनिंग फॉर रिबेलियस हेयर प्रोफेशनल फॉर्मूला। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल फॉर्मूला इसके अंदर डाला गया है, अगर आपने बालों में स्ट्रेटनिंग वगैरह करवाई हुई तो ये वाला शैम्पू यूज करना आप। बहुत ही इजी तरीका है शैम्पू यूज करने का, आपको जितनी भी क्वांटिटी आपको लगानी है अपने बालों में, उसको एक मग में ले लें, इस शैम्पू को मग में अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लें, और थोड़ा सा पानी मिला के उसको डायल्यूट कर लें, अच्छे से मग में मिला लें, उसके बाद अपने बालों में अप्लाई करें। तो उससे क्या होगा कि जो ये हार्ड शैम्पू इसके अंदर जो भी उन्होंने फॉर्मूला वगैरह डाला हुआ है, आपके बालों को डायरेक्टली डैमेज नहीं करेगा, और दूसरा बहुत इजिली आपके बालों में लग भी जाएगा। तो ऐसे इसको यूज करना है, अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए, स्काल्प में लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्काल्प में शैम्पू लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक मिथ है कि आपके बाल टूट जाएंगे या हेयर फॉल होगा या डैमेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने तरीके से अच्छे से अपने बालों को पहले गीला कर लीजिए, उसके बाद इस शैम्पू को मग में डायल्यूट करके अपनी क्वांटिटी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बालों पर अप्लाई कर लीजिए, और 5 से 7 मिनट अपने बालों में रहने दीजिए, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने हेयर वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने बालों को टॉवल ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद आपको ये वाला मास्क अप्लाई करना है अपने बालों में।
इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है। और उसके बाद क्या करना है, हाँ टॉवल ड्राई कर लिया आपने अपने बालों को, उसके बाद इसकी क्वांटिटी लेनी है। इस वाले मास्क को आप ध्यान रखना कि आपके बालों आपके स्काल्प में न लगे, क्योंकि अगर ये आपके स्काल्प पे लगेगा, बार बार लगेगा, तो आपके डैंड्रफ होने की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और हेयर फॉल भी होगा। मैं आपको पहले बता दूं, शैम्पू लगाने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप मास्क को अपने स्काल्प पे अप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। बार बार यूज करने से, स्काल्प पे जाने से आपके बालों में डैंड्रफ हो सकता है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो जाए। तो इसको लगाते हुए थोड़ा सा आपको टेक केयर करने की जरूरत है, थोड़ा केयर करने की जरूरत है। ध्यान से लगाना अपने बालों को, ऐसे करके लगाना, और ध्यान रहे कि स्काल्प पे न लगे। बालों पे लगाने के बाद अपने अपने फिंगर्स की हेल्प से कॉम की तरह उसको ऐसे लगाना है आपने, इस तरीके से ऐसे करके, और इसको हार्डली 7 से 10 मिनट आप छोड़ देना अपने बालों में लगा के, उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं नॉर्मल वाटर से भी। फ्रेंड्स ये मास्क बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको वो शैम्पू नहीं लेना है, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने बालों में किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, इतने पैसे लगा के आप स्मूथनिंग करवा रहे हैं, रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं, केरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंस अपना बढ़ा के अगर ये तीनों चीज़ें ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई दूसरा शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला मास्क तो आप ले ही लो, चाहे कितना भी महंगा हो, क्योंकि ये आपके बालों को एक अमेजिंग वॉल्यूम देगा, शाइन देगा, आपके बालों को जो फ्रिजीनेस है उसको कम करेगा। अगर आपके बाल धो हुए हैं या डैमेज हैं, बालों में कोई जान ही नहीं बच गई है, तो ये आपके बालों की जान को वापस लाएगा, आपके बालों को चमकदार बनाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप वाला जो मास्क है इसको यूज कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मास्क है। और इसका जो एमआरपी है फ्रेंड्स, ये तो खैर बड़ा वाला पैक है, ये इसका जो ग्राम में जो ये आधे किलो का पैक है, 490 ग्राम का पैकेजिंग है ये, और इसका जो प्राइस है एमआरपी 1015 है, 1000 रुपीज का ये मास्क है। लेकिन अगर आपको इसका छोटा वाला पैक लेना है तो उसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। आप अगर ये नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं इतना महंगा, तो वो वाला ले लेना, वो भी सेम चीज है, बस क्वांटिटी का फर्क है। तो आप उसको अप्लाई कर लीजिए, बहुत अच्छा मास्क है ये आपके बालों के लिए, बिल्कुल एक सलून लुक देगा, प्रोफेशनल लुक देगा आपको। फ्रेंड्स एक चीज और, अगर आपने बालों में कलरिंग करवाई हुई है या लेयर्स आपने करवाया हुआ है, हाईलाइट्स करवाए हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इस टाइम पे, तो उस हाईलाइट्स को भी ये मेंटेन करेगा, आपके हाईलाइट्स को बिल्कुल भी ये रफ नहीं होने देगा, निकलने नहीं देगा, आपके बालों में टिका रहेगा, मेंटेन रखेगा आपके हाईलाइट्स को, आपके हेयर कलर्स को। तो अगर आपने हेयर कलर करवाया हुआ है तब भी आप ये वाला मास्क और ये वाला शैम्पू आप यूज कर लेना, बहुत अच्छा मास्क है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं बात करती हूँ सीरम की। तो सीरम तो मेरे पास पहले से ही था, और ये देखिए मैंने आधा इसको खत्म भी किया हुआ है। इसका जो प्राइस है ये 600 रुपये है, और ये 125 ml का इसका जो ग्रामेज है वो आता है। सीरम भी बहुत अच्छा है और बहुत आपके बालों को एक सॉफ्टनेस देगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा, मैनेजेबल बनाएगा। आपके बाल अगर उलझे हुए हैं, उलझे रहते हैं, तो उनको टैंगल फ्री करेगा। बहुत ही आप ऐसे हाथ फेरेंगे ना अपने बालों में, आपको लगेगा कि हाँ यार क्या बाल हो गए मेरे। तो आप ये तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा शैम्पू है अगर आप प्रोफेशनल सीरीज में शैम्पू ढूंढ रहे हैं कोई। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रख लेना, अगर अपने बालों में कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया हुआ है, आपके नेचुरल हेयर हैं, बिल्कुल प्राकृतिक आपके नेचुरल हेयर हैं, तो आप प्लीज़ ये वाला शैम्पू अवॉइड करना। ये वाला शैम्पू आपके बालों को नुकसान देगा, आपके बालों को डैमेज करेगा, हेयर फॉल भी हो सकता है, क्योंकि एक इसमें प्रोफेशनल फार्मूला डाला गया है। ये बनाया ही उन बालों के लिए है जिसको हम एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बालों के लिए बनाया हुआ है ये शैम्पू। तो फ्रेंड्स बस मैं आपको ये बोलूँगी कि ये शैम्पू ट्रीटमेंट ट्रीटेड हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करके देखना एक बार। और अगर आपके बाल नेचुरल हेयर हैं, आपके बालों में कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया हुआ है, तो ये वाला शैम्पू अवॉइड कर लेना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि काफी ज्यादा गर्ल्स इस टाइम पे परेशान है अपने हेयर फॉल्स को लेकर, ट्रीटमेंट्स को लेकर। तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो और अगर आपको अच्छा लगा हो ये रिव्यू, मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी से खत्म करने की कोशिश करी है ताकि ये लेंथी ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मुझे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स करना खूब सारे, और मुझे बताना कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।